हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर त्रिपाठी। और हमने इस लेक्चर में एक्सरसाइज 4.2 डिटर्मिनेंट की डिसाइड की है कि कवर करेंगे। तो इस लेक्चर में, इस वीडियो में एक्सरसाइज 4.2 को कवर करेंगे। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 4.2 है, जिसमें हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो में आपने देखे होंगे कि मैंने प्रॉपर्टीज़ का डिस्कशन किया था। सारी प्रॉपर्टीज़, जो 7 प्रॉपर्टीज़ थी, वो प्रॉपर्टीज़ को डेडिकेटेड वीडियो था। उससे पहले भी मैंने आपको एक वीडियो बनाया था, जिसमें एक्सपांशन से रिलेटेड, प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड बात की थी। और जो उससे पहले था वीडियो, इसका डिटर्मिनेंट का, जिसमें 2 बाय 2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट्स पे डिस्कशन था। इसमें सारे क्वेश्चंस जो होंगे वो प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 4.2 में, जिसमें प्रॉपर्टी से आपको प्रॉपर्टी अप्लाई करके डिटर्मिनेंट का वैल्यू इवैल्यूएट करना है। तो जैसे पहले ही क्वेश्चन ले लेते हैं हम। इस वाले क्वेश्चन में बिल्कुल आसान सवाल है। आप देखें, अगर एक प्रॉपर्टी लगाते हैं हम कॉलम नंबर 3 में, कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 2 अगर माइनस कर दें तो क्या होगा? तो एक्स वाई जेड नो चेंज, ए बी सी नो चेंज। यहाँ पर ये दोनों ऐड होके इसमें से सब्ट्रैक्ट होंगे और इस वजह से ये 0-0 हो जाएगा। और आपको मालूम है कि अगर अगर कोई भी रो या कोई भी कॉलम कंप्लीटली 0 हो, तो वैल्यू ऑफ सच डिटर्मिनेंट विल बी 0। तो इसलिए इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये हमने वीडियो जो प्रॉपर्टी और एक्सपांशन का था उस पर भी डिस्कस किया, पर हम इसे फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप ये प्रॉपर्टी लगा दो, C1 प्लस C2 प्लस C3, उसमें हमने R1 प्लस R2 प्लस R3 लगाया था, वो भी लगा सकते हैं, लगाया ही है, ये भी लगा सकते हैं। तो देखिए, C1 प्लस C2 प्लस C3, इस कॉलम में ये दोनों कॉलम ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा 0, ये भी सब ऐड यहाँ हो गया 0, सारे ऐड हो जाएंगे इस वाले में, ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, सी प्लस सी माइनस ए, बाकी सब वही रहेंगे, जो है वही रहेगा, बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी, बी माइनस सी। आप समझ गए होंगे वैल्यू कितनी होगी इसकी? 0 होगी। क्यों 0 होगी? क्योंकि इसका फर्स्ट कॉलम 0, उसका थर्ड कॉलम 0 था, इसलिए इसकी वैल्यू 0 होगी। यह है एक्सरसाइज 4.2। इसमें इजी से लेकर के डिफिकल्ट क्वेश्चंस तक हैं, सारे क्वेश्चंस मैं आपको सिखाऊंगा, सरल से कठिन तक जाएंगे। अब इधर देखिए, ये टाइप का क्वेश्चन जो है, जिसमें कुछ समझ में नहीं आता, तो इससे इसको छोटा करना है। कोई बड़ा नंबर पकड़ो, बड़े नंबर से इसको छोटा करो। कैसे छोटा करेंगे? तो कुछ मल्टीप्लाई करके छोटा करेंगे। तो 65 है अपने पास, तो 7 में क्या मल्टीप्लाई करें कि आप 65 में इससे करीब करीब हो जाए? तो 7 का टेबल आप पढ़ेंगे तो 7 8 जा 56, 7 9 जा 63, तो 63 इसके बहुत करीब है। तो हम अगर ये वाला ऑपरेशन अप्लाई कर दें कि कॉलम नंबर 3 माइनस 9 टाइम्स कॉलम नंबर C2, अगर ये ऑपरेशन आप लगा देते हैं, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये आपका 63 इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका 2। ये आपका 8 9 जा कितना हो जाएगा? 72, और इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 3, और ये 9 9 जा कितना हो जाएगा? 81, 86 में से गया तो ये हो जाएगा 5। अब फिर इसकी वैल्यू 0 होगी। क्यों 0 होगी? क्योंकि एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है कि अगर दो रो एक जैसी हो या दो कॉलम्स आइडेंटिकल हो, तो ये दोनों कॉलम्स कैसे हैं? दीज टू कॉलम्स आर आइडेंटिकल, देयर फोर वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इज वॉट? 0। इसलिए इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 है। अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ये जो मैंने लिखा हुआ है आपको बोर्ड पे दिख रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर क्वेश्चन नंबर 4 मैंने नहीं लिखा था। तो क्वेश्चन नंबर 4 इस तरह से है, बहुत आसान है। 1 1 1
बीसी, सीए, एबी, और अगला एलिमेंट है ए इंटू बी प्लस सी, बी इंटू ए प्लस सी, सी इंटू ए प्लस बी। वैल्यू इसकी भी जीरो होना है, पर वो देखें कैसे होगी। तो कॉलम नंबर थ्री में कॉलम नंबर टू को ऐड कर दें, तो पहला कॉलम नो चेंज, दूसरा कॉलम और तीसरे कॉलम को इसको ओपन कर लें, ए बी प्लस सी ए, और जो ये बी सी है वो इसमें आके ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बी सी। अब देखिए इसमें से क्या होगा, ये है ए बी प्लस बी सी और सी ए ऐड हो जाएगा आकर के। अब ये क्या लिखा हुआ है आपका, ये देखिए, ये लिखा हुआ है आपका सी ए प्लस बी सी और ए बी ऐड हो गया। अब ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इसमें से कॉमन आ सकता है, पूरा कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी या सी ए जो कहो आप, वन 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 बी सी सी ए बी, ये हो गया आपका वन वन वन। ये दोनों कॉलम्स कैसे हो गए, आइडेंटिकल हो गए, इसलिए इसका वैल्यू ज़ीरो हो गया। तो ये थे क्वेश्चन नंबर वन से लेके फोर तक के सॉल्यूशन। अब आपका क्वेश्चन नंबर फाइव बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर फाइव सॉल्व करने जा रहे हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर फाइव देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। पहला ऑपरेशन आप लगा दें, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री इन आर वन, आर वन में आर वन आर टू और आर थ्री को ऐड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये सारे इसमें ऐड हो जाएंगे, तो ये डबल हो जाएगा, ट्वाइस ए प्लस बी प्लस सी, ट्वाइस पी प्लस क्यू प्लस आर। ट्वाइस एक्स प्लस वाई प्लस जेड और सी प्लस है आर प्लस पी जेड प्लस एक्स, ए प्लस बी पी प्लस क्यू एक्स प्लस वाई, ये ऑपरेशन लगाने के बाद आया। इसमें से कॉमन आ सकता है, क्या कॉमन आ सकता है आप देख लें, इसको रब कर दिया, प्रूव जो करना है उसको रख लिया। इसमें से कॉमन क्या आ सकता है, इसमें से टू कॉमन आ सकता है, तो अंदर क्या बचेगा, ए प्लस बी प्लस सी, फर्स्ट रो में से टू कॉमन, टू यहाँ से, यहाँ से और यहाँ से कॉमन, ए प्लस बी प्लस सी, पी प्लस क्यू प्लस आर, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, बाकी में नो चेंज, सी प्लस है आर प्लस पी जेड प्लस एक्स, ए प्लस बी पी प्लस क्यू एक्स प्लस वाई। अब आप ऐसा करें कि इसको इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, कौन सा ऑपरेशन लगाएंगे, R1 में R1 माइनस R2, तो क्या होने वाला है, फिर हो जाएगा आपके पास 2, ये जो 2 लिखा हुआ है A प्लस बी प्लस सी में से C प्लस A गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास, यहाँ बचेगा B, R प्लस पी इसमें से चला गया, क्या बचेगा आपके पास Q, इसमें से Z प्लस X चला गया, तो क्या बचेगा आपके पास Y, C प्लस है, जरूरी नहीं है कि R1 माइनस R2 लगाओ, आप R1 माइनस R3 भी लगा सकते हैं, C प्लस है R प्लस P Z प्लस X P प्लस Q सॉरी A प्लस B P प्लस Q, A प्लस B इसके नीचे आएगा, A प्लस B P प्लस Q X प्लस Y, ये आ गया आपके पास। अब आप ये BQY यहाँ है, BQY यहाँ भी है,
तो आप माइनस कर दें, क्या माइनस कर दें, आर थ्री में से आर वन को माइनस कर दें, तो आर थ्री माइनस आर वन। आसान सवाल है, थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए आपको। और आर थ्री में से आर वन को माइनस कर दें, ये कमांड या ऑपरेशन लिखना मस्ट है, ये लिखना ही पड़ेंगे आपको। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास ट्वाइस आर थ्री में आर वन, तो आर वन में नो चेंज, बी क्यू वाई सी प्लस ए आर प्लस पी जेड प्लस एक्स, और ये माइनस कर दे, बी क्यू वाई माइनस हो जाएगा तो ए पी एक्स बचेगा, ए पी एक्स। अब अगला ऑपरेशन आप ऐसा लगा दे कि ये ए पी एक्स भी कैंसिल हो जाए, तो आर टू में लगा देंगे आर टू माइनस आर थ्री ट्वाइस बी क्यू वाई सी आर जेड ए पी एक्स। पर आप इसको जो देखें, जो प्रूव करने आए, उसमें ए पी एक्स ऊपर है, तो अब ए पी एक्स को ऊपर ले जाने के लिए पहले कॉलम नंबर टू और कॉलम नंबर थ्री को इंटरचेंज करते हैं। तो देखो ऑपरेशन कैसे लिख, सॉरी रो नंबर टू और रो नंबर थ्री को, तो रो नंबर टू और रो नंबर थ्री को इंटरचेंज करेंगे, ये इंटरचेंजिंग ऑपरेशन है। तो ये हो जाएगा आपके पास ट्वाइस बी क्यू वाई, यहाँ माइनस आ जाएगा क्योंकि आपको मालूम है अगर आपने दो कॉन्जिक्यूटिव रोज और कॉलम्स इंटरचेंज किए तो माइनस आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा ए पी एक्स, यहाँ आ जाएगा सी आर सेट। अब आप एक ऑपरेशन और लगा दें और आपका आंसर आ गया, आर वन और आर टू को इंटरचेंज कर दें तो माइनस एक और आएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये ट्वाइस ए पी एक्स बी क्यू वाई सी आर जेड, और ये इस तरीके से आपका राइट हैंड साइड आ गया। तो ये था दोस्तों क्वेश्चन नंबर फाइव, और अभी टाइम हुआ है लगभग 12 मिनट के आसपास, काफ़ी कुछ हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स देखिए, बहुत अच्छा सवाल है, सिक्स्थ सेवेंथ, आगे के सवाल देखते रहें, साथ बने रहें। एक बार आपने इसका कंसेप्ट समझ लिया, प्रॉपर्टीज़ ग्रास्प कर ली, ऑब्जर्व कर ली, प्रॉपर्टीज़ दो बार तीन बार देख लें अगर आपको डाउट हो तो। सिक्स्थ क्वेश्चन है, इसमें लिखा है यूजिंग प्रॉपर्टीज़, प्रॉपर्टी का यूज़ करके ही करना है, जीरो ए माइनस बी माइनस ए जीरो माइनस सी बी सी ज़ीरो। अब कई बार बच्चे ये सोचते हैं कि इसके डायगोनल में जीरो है, ऐसा मैंने आपको वीडियो नंबर टू में डिस्कस भी किया हुआ है कि डायगोनल में टू जीरो होने के कारण इसका वैल्यू ज़ीरो नहीं होगा, इसकी वजह कुछ और है। मान लीजिए कि ये डेल्टा है, ये जो लिखा है डेल्टा है, अब इसमें से माइनस वन कॉमन लिया पहली रो में से, तो ये हो जाएगा जीरो माइनस है, इसको फॉलो करें आप जो मैं लिख रहा हूँ। अब एक और माइनस वन कॉमन ले लिया आपने, तो माइनस वन का यहाँ स्क्वायर लिख दूँ, एक माइनस और कॉमन लिया इसमें से, तो ये जाएगा ए जीरो सी, एक माइनस वन इससे भी कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्यूब हो जाएगा, क्लियर। अब आप एक काम करें, ये माइनस वन का क्यूब क्या हो जाएगा, माइनस वन हो जाएगा, और इसकी जो रो है इसको कॉलम में बदल दें, या ऐसा लिख दें आप, ये जो है ये अगर डेल्टा है जीरो ए माइनस बी, तो ये जो जीरो ए माइनस बी है इस तरीके का हो गया है, ये डेल्टा का ट्रांसपोज हो गया। और मैंने आपको बता रखा है, क्या बता रखा है, कि डिटरमिनेंट ए और डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इक्वल होता है, तो ये हो जाएगा आपका माइनस डेल्टा, क्यों, क्योंकि डिटरमिनेंट ऑफ ए और डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज सेम है। माइनस डेल्टा को आप उधर भेज दें, टू डेल्टा इक्वल टू जीरो, विच एम्प्लाइज डेल्टा इज इक्वल टू
जीरो, आपका वैल्यू डिटरमिनेंट का आ गया जीरो। बहुत आसान और एकदम शानदार प्रूफ है, आप नोट कर ले, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर दें और आगे बढ़ते हैं। माइनस ए स्क्वायर ए बी ए सी बी ए बी स्क्वायर बी सी सी ए सी बी सी स्क्वायर। प्रूव करना है 4a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर के इक्वल। तो देखें आप इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से कॉमन आ जाएगा a, इसमें से कॉमन आ जाएगा b और इसमें से कॉमन आ जाएगा c। तो बाहर क्या होने वाला है, बाहर आ जाएगा a b c, a b c माइनस a b c, इसमें से b कॉमन लिया a माइनस b c, इसमें से c कॉमन लिया a b माइनस c। अब क्या करें, अब इसमें से कॉमन ले लें a के इसमें से, एक b इस वाली रो में से, ये देखें इसमें से, इसमें से और इस वाली में से क्या ले लें, एक c कॉमन ले लें, ए इससे ए ले लेंगे कॉमन, इससे बी ले लेंगे कॉमन, इससे सी, तो हमारे पास हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। यहाँ आ जाएगा माइनस वन 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 माइनस वन 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 माइनस वन। अब आपको मालूम है कि डिटर्मिनेंट में जीरो बनाने का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है तो अब जीरो बनाते हैं। ज़ीरो बनाने के लिए क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा ज़ीरो बनाने के लिए आप एक ऑपरेशन लगा दें, बिल्कुल सिंपल सा ऑपरेशन है, R1 में लगा दें R1 प्लस R2। अगर आपने ये ऑपरेशन लगा दिया तो ये हो जाएगा ज़ीरो, उसको भी इसमें ऐड कर देंगे ज़ीरो और वन प्लस वन क्या हो जाएगा टू। चाहें तो आप एक और ऑपरेशन लगा दें, R3 में भी लगा दें R3 प्लस R2, और ध्यान दें R2 में नहीं लगाएंगे आप, क्योंकि R2 से लगा रहे हैं, तो R2 से लगा रहे हैं तो R2 को मत चेंज करिए, आप इसको चेंज कर दें, तो ये यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 2 0 0। अब आप इसको सॉल्व कर दें इसके अलाउंग, किसके अलाउंग, अलाउंग R1, R1 के अलाउंग सॉल्व किया, तो ये तो ज़ीरो है तो इसमें तो कुछ करना नहीं है, ये भी ज़ीरो है ये भी कुछ करना नहीं, आखिरी में तो एक्सपांड करना ही पड़ता है, तो ये प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके कर रहे हैं हम, तो आखिरी में आ जाएगा टू, ये दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, वन इंटू ज़ीरो माइनस टू इंटू माइनस वन, ओके। और साथ में यहाँ पे आपको मालूम है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर भी है, तो यहाँ भी आ जाएगा आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो ये आ गया आपके पास, ये कैंसिल हो गया, ये माइनस से माइनस कैंसिल, टू 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 या फोर, और ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, फोर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो ये था दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 और टाइम लगभग 18 मिनट यानी 19 मिनट हो गए हैं, और 19 मिनट में हमने 7 सवालों को किया है। अब हम अगला सवाल करते हैं, साथ साथ बने रहें, आप सीख रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि जब बच्चे सीखते हैं तो उससे बढ़ के टीचर के लिए और कोई चीज़ नहीं होती है। 8th का जो क्वेश्चन नंबर दोस्तों 1 है, 8th का फर्स्ट पार्ट है, इसमें लिखा है 111 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब आपको कोई ऐसा खास उपाय नहीं दिखेगा जिससे ये जीरो जीरो एकदम से बन जाए, तो जब ऐसा हो कि सब ऐसा कुछ कॉमन निकलने जैसा या कुछ ऐसा ज़्यादा स्कोप नहीं दिखे,
तो फिर आप एक वन को पकड़ लें, उस वन की हेल्प से जो बचे हुए हैं उनको जीरो बनाना चालू करें, आर टू में लगा दें आर टू माइनस आर वन, और आर थ्री में लगा देंगे आर थ्री माइनस आर वन। आपको क्या प्रूव करना है वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, ये प्रूव करना है। आर टू में लगा दिया आपने तो पहली रो में नो चेंज, दूसरी रो में जीरो, बी माइनस ए, यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस जीरो, सी माइनस ए, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसमें से आप देखो क्या कॉमन आ रहा है, बी माइनस ए कॉमन आ रहा है, निकाल लो बी माइनस ए कॉमन। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, सी माइनस ए कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा आपके पास, आपके पास बचने वाला है वन ए ए स्क्वायर, जीरो वन बी प्लस ए, क्योंकि इसके दो फैक्टर होंगे बी माइनस ए और बी प्लस ए, इससे जीरो वन सी प्लस ए। अभी भी आप इसको एक्सपांड कर सकते हो, पर आई एडवाइस कि ये जीरो और बना दो आप, तो आर थ्री में एक ऑपरेशन लगा दो आप, आर थ्री में लगा दो आर थ्री माइनस आर टू, तो क्या हो जाएगा आपके पास, बी माइनस ए, सी माइनस ए, वन ए ए स्क्वायर, जीरो वन बी प्लस ए, ये जीरो माइनस जीरो जीरो, वन माइनस वन जीरो, और यहाँ देख लीजिए आप क्या आ रहा है, यहाँ पे सी माइनस बी, ए से कैंसिल हो जाएगा सी माइनस बी। तो इससे भी चाहें तो आप कॉमन ले लें, नहीं चाहते कॉमन लेना तो आप इसको अब एक्सपांड भी कर सकते हैं, तो आप इसको एक्सपांड कर दें, ये एट्थ का फर्स्ट था। अब एक्सपांड कहाँ से करेंगे, तो एक्सपांड अलोंग कर देते हैं सी वन, सी वन में ज़्यादा से ज़्यादा जीरो हैं, दो जीरो, तो यहाँ से कर देते हैं, तो यहाँ से आप इसको करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, बी माइनस ए, सी माइनस ए, ब्रैकेट वन, ये भी गया ये भी गया, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, तो वन इंटू सी माइनस बी, क्योंकि वो वाला पार्ट तो जीरो हो जाएगा और आगे जाने की ज़रूरत नहीं। अब इसको आप ठीक कर लें, माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा ए माइनस बी, माइनस उससे भी कॉमन ले लें तो हो जाएगा बी माइनस सी, और ये सी माइनस ए एज इट इज़। तो यही हम चाहते थे प्रूव करना और ये आ गया। तो ये देखें कि आपके किस तरीके से और कितने आसानी से हमने इसको कर दिया। अब आपको मैं सलाह देता हूँ कि एक क्वेश्चन आप सेल्फ ट्राई करना, फिर मैं आपको ये सेल्फ असेसमेंट के लिए दे रहा हूँ, मैं सेल्फ ट्राई और सेल्फ इसी तरीके का, ज़्यादा चेंज नहीं उसमें, वन 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 ए बी सी, बी सी सी ए बी, इसमें भी आपको यही प्रूव करना है, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, तो ये आप ट्राई करना। अब हम इसका जो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है, एट्थ का सेकेंड पार्ट है, वो देख लेते हैं। एट्थ का जो सेकेंड पार्ट, ये भी बहुत अच्छा सवाल है, वन 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 ए बी सी, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, और हमको जो प्रूव करना है वो है ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। ये जो प्रूव करना है वो मैं नीचे लिख देता हूँ इस क्वेश्चन में, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, ए प्लस बी प्लस सी, ये प्रूव करना है। तो ये प्रूव करने के लिए वही वन वन वन, इसमें इस बार इसमें दिए हुए कॉलम में, इस वन से इसको जीरो, इस वन से इसको जीरो, तो पहला ऑपरेशन है
सी टू में सी टू माइनस सी वन, सी थ्री में सी थ्री में लगा देंगे सी थ्री माइनस सी वन। तो फर्स्ट रो में नो चेंज, फर्स्ट कॉलम में सॉरी वन ए ए क्यूब नो चेंज, इसको देखें आप जीरो बी माइनस ए बी क्यूब माइनस ए क्यूब, जीरो सी माइनस ए सी क्यूब माइनस ए क्यूब। ये जो प्रूव करना है मैं रब कर देता हूँ, आपने देख तो लिया ही है इसे कि क्या प्रूव करना है। अब देखिए इज इक्वल टू वन ए ए क्यूब, जीरो बी माइनस ए, इसके फैक्टर बना दीजिए, फॉर्मूला लगेगा बी क्यूब माइनस ए क्यूब में, ये फॉर्मूला लगा दिया, फॉर्मूला आपको याद ही है, इसमें से b माइनस ए कॉमन और उसमें से c माइनस ए कॉमन, तो ये कॉमन लेने के बाद दोस्तों आएगा b माइनस ए c माइनस ए वन ए ए क्यूब जीरो वन बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी जीरो वन सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए सी। अब देखिए इस वन से इसको जीरो बना दें, इस वन से इसको जीरो बना देते हैं, तो इस वन से इसको जीरो कैसे बना देंगे, सी थ्री माइनस सी टू लगा के, सी थ्री माइनस सी टू। तो सी थ्री में ऑपरेशन लगा देंगे सी थ्री माइनस सी टू, ओके ये b माइनस है सी माइनस है एज इट इज, b माइनस है सी माइनस है और वन ए ए क्यूब जीरो वन बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी ये देखिए ये वाला, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो जीरो, वन माइनस वन क्या हो जाएगा जीरो। और अब बहुत ध्यान से देखिए ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, पर ये सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पास पास लिख दिए, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी माइनस ए बी। अब आप चाहें तो यहां से सॉल्व कर दें, कहां से सॉल्व कर दें, यहां से R1 के अलॉन्ग, तो B माइनस ए C माइनस ए यहां से सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा वन, ये गया दिस इंटू दिस, तो कौन सा इंटू कौन सा, वन इंटू दिस वन इंटू। अब एक काम भी कर सकते हैं आप, इसके फैक्टर बना के भी लिख सकते हैं आप यहां पे C माइनस बी सी प्लस बी, इसमें से कॉमन ले ले ए, तो हो जाएगा सी माइनस बी माइनस, जब माइनस करेंगे तो ये जीरो इंटू दिस हो जाएगा, तो जीरो इंटू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी, तो ये आपका जीरो ही हो गया। तो अब आपके पास क्या बचा, बहुत आराम से देख लें, बिल्कुल आराम से देखें, अब आपका आंसर आ चुका है, इसमें से दोनों में से कॉमन आ रहा है सी माइनस बी, ये लिखा है बी माइनस ए सी माइनस ए सी माइनस बी और अंदर बचेगा सी प्लस बी प्लस ए। अब इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा ए माइनस बी, सी माइनस बी को पास में ला और माइनस कॉमन ले ले तो हो जाएगा बी माइनस सी और ये हो गया सी माइनस ए, बचा हुआ आपके पास हो गया ए प्लस बी प्लस सी।
तो ये था दोस्तों 8th का सेकेंड पार्ट जो हमने प्रूव कर दिया, बिल्कुल आसानी से किया। मैं आपको एक सेल्फ असेसमेंट के लिए क्वेश्चन देता हूँ जो आप खुद करना, और आप करोगे तो आपको निश्चित तौर पे कॉन्फिडेंस आएगा। फिर आप मुझे लिखिएगा कि आपको क्या महसूस हुआ। थोड़ा सा एडवांस भी है, अच्छा लगेगा। ये आप सेल्फ ट्राई करिए, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब इज इक्वल टू, आपको ये प्रूव करना है, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ए सी। तो ये आप प्रूव करिए और मुझे बताइए। अब तक ये जो हमने काम किया 30 मिनट्स के अंदर क्वेश्चन नंबर 8 तक का काम कर लिया था। अगर 9th क्वेश्चन से लेकर के आगे के क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा, और तब तक आप ये जो क्वेश्चंस मैंने बताए दो क्वेश्चन, इनको ज़रूर करके देखें, ट्राई करें। जो भी आपके एक्सपीरियंसेस हों वो शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख दें। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, अगर आप व्हाट्सएप करना चाहते हो, कोई डाउट रखते हो तो आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। एक ये नंबर एक्सक्लूसिवली स्टूडेंट्स के लिए है, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दें। चैनल को मालूम ही है आपको, लाइक शेयर सब्सक्राइब, ताकि आपने जो समझा है वो दूसरे भी समझ पाए और बात सब लोगों तक पहुंच जाए, सारे स्टूडेंट्स इसका फ़ायदा लें। चैनल में आपने देखे होंगे ढेर सारे वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए, आप जो जो आपके मतलब के हों वो देख सकते हैं। आप अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, जूनियर्स को भी सजेस्ट कर सकते हो, और मेरी बेस्ट विशेष आपके साथ हैं। आप आगे बढ़ें और देश को बनाएं। विश यू ऑल द बेस्ट।